हेलो सुपर फ्रेंड्स। तो इस 4 अगस्त को ऑफिशियली 24 साल का होने के बाद और लास्ट वीक फुल ऑन मजे करने के बाद मैं फिर से वापस आया हूँ एक ताबड़तोड़ शोडाउन के साथ, जो है सुसाइड स्क्वाड के पीसमेकर वर्सेस एमसीयू के कैप्टन अमेरिका। लेकिन एक ट्विस्ट है इस शोडाउन में कि यहाँ कैप्टन अमेरिका की केवल वही पावर्स इंक्लूड करेंगे जो उनकी पहली मूवी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में दिखाई गई थी, क्योंकि कैप्टन तो एंड गेम तक बड़े बड़े लोगों के हिला चुके हैं दुनिया। इसीलिए शोडाउन को एक लेवल पर रखकर कंपेयर कराने के लिए पीसमेकर और कैप्टन अमेरिका दोनों की फर्स्ट मूवीज को ही बेस मानेंगे। पीसमेकर के सामने कैप्टन अमेरिका को लेने का रीजन ये है कि दोनों ह्यूमन स्ट्रेंथ और कुछ एक्स्ट्रा वेपन्स का यूज करके फाइट करते हैं और दोनों वर्ल्ड में पीस मेंटेन रखना चाहते हैं, बस तरीके अलग हैं इनके। तो अब ठीक है, हम भी अपने अलग तरीके से पीस मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले पावर्स देखते हैं पीसमेकर की। तो पीसमेकर यानी क्रिस्टोफर स्मिथ एक वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट है जो किसी भी कीमत पर वर्ल्ड में पीस अचीव करना चाहता है, चाहे उसके लिए कितने भी इनोसेंट लोगों को मारना पड़े। अपने आप को सुपर हीरो समझते हुए एक अफलातून कॉस्ट्यूम पहन ली और अपने हाथ में ले लिया कानून, जिसकी वजह से अमांडा वॉलर ने धर लिया उसको और बेलेरिव में बंद करवा दिया। पावर्स की बात करें तो बचपन से ट्रेनिंग की वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी हाई लेवल पर है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसने रिक फ्लैग को एक अच्छी फाइट के बाद मार दिया। सबसे कमाल की एबिलिटी है गन्स यूज करने की। अलग अलग तरह से वो लोगों को मार सकता है, बिना देखे भी टारगेट हिट कर सकता था। इसके अलावा एक्स, स्वॉर्ड, ब्लो डार्ट्स को भी काफी इफिशियंटली यूज कर सकता है। पीसमेकर के पास एक्सप्लोडिंग कंप्रेशन बुलेट्स भी हैं जो हिट करने के बाद एक्सप्लोड हो जाती हैं, जिससे टारगेट भी फट जाता है। इन सबसे ऊपर पीसमेकर की स्ट्रॉन्ग विल पावर है पीस मेंटेन करने की, जिसके लिए सही और गलत का भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। ब्लड स्पोर्ट की स्मॉलर बुलेट आइडिया से पीसमेकर की गर्दन में गोली तो लगी, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चला कि आरडीएक्स भाई अभी भी जिंदा है, तो काफी खतरनाक कैरेक्टर है। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम से पावर्स मिली, जिससे स्टीव की सारी एबिलिटीज पीक ह्यूमन लेवल पर पहुंच गई। जैसे पंच में ही पानी के अंदर सबमरीन टाइप की व्हीकल की विंडो फोड़ दी, नाजी सोल्जर्स को इजिली उठाकर काफी दूर फेंक पा रहे थे, एक बाइक के साथ 3 लोगों को लिफ्ट भी कर चुके हैं। तो फिजिकल स्ट्रेंथ जो भी कैप्टन अमेरिका और पीसमेकर की देखने को मिली है, उसमें कैप्टन अमेरिका ने ज्यादा पावरफुल फीट्स दिखाए हैं। स्टीव रॉजर्स हाइड्रा के बेस में घुसकर उनके ट्रेंड फाइटर्स को काफी इजिली पीट पा रहे थे, और यहां तक कि रेड स्कल जो कि खुद एक सुपर सोल्जर था उसको भी काफी अच्छी टक्कर दी। दूसरी तरफ पीसमेकर आर्मी ऑफिसर रिक फ्लैग से भी काफी मुश्किल से जीत पाया। अब हाँ, नो डाउट रिक फ्लैग भी काफी पावरफुल था, लेकिन पूरी मूवी में रिक फ्लैग का कोई ऐसा फीट देखने को नहीं मिला जो उसको सुपर पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट में रखे। वो बस एक इफिशियंट और काफी अच्छा यूएस आर्मी सोल्जर था, और पीसमेकर को इस रिक फ्लैग को मारने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। पीसमेकर की जो सबसे अच्छी एबिलिटी थी वो है अलग अलग वेपन्स को इफिशियंटली यूज करना। उसके पास कई सारे वेपन्स भी थे और टारगेट हिटिंग में तो परफेक्ट था पीसमेकर। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका के पास भी शील्ड है, पहली मूवी में गन भी थी, एक बाइक भी थी जिसमें केबल वायर्स थे, फ्लेम थ्रोवर्स थे और मिसाइल्स भी थी जो हाइड्रा टैंक्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। स्टीव के पास सारे वेपन से बढ़कर उनकी वाइब्रेनियम शील्ड थी जो काफी स्ट्रॉन्ग मेटल की बनी है। पिस्टल फायर को ब्लॉक कर सकती है। हाइड्रा ने जो एसरेक्ट एनर्जी को हार्नेस करके प्लाज्मा गन्स बनाई थी, ये शील्ड उन प्लाज्मा शॉट्स को भी ब्लॉक कर पा रही थी। तो गेम यहाँ पर फंसता है कि पीसमेकर अपनी बेस्ट गन की बेस्ट बुलेट स्टीव रॉजर्स ट्राई करे और स्टीव उसको शील्ड से ब्लॉक करने का ट्राई करे। अगर बुलेट्स लग गई तो पीसमेकर के केवल वही चांसेस हैं जीतने के, क्योंकि उसके पास इतनी पावरफुल और डिफरेंट वैरायटी की गन्स हैं। लेकिन कैप्टन ने पूरी मूवी में बहुत बार बुलेट्स के अटैक डॉज किए हैं, क्योंकि सुपर सोल्जर सीरम की वजह से स्टीव की स्पीड और रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा तेज हो गए थे। हाइड्रा के छुपे हुए स्नाइपर को भी इजिली स्पॉट कर लिया था और बुलेट की तरह शील्ड मार के गिरा दिया। एक और हाइड्रा सोल्जर को सनसनाता हुआ चाकू फेंक के मार दिया। तो पीसमेकर की बुलेट्स डॉज करने में ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए स्टीव को। अब चाहे कैप्टन अमेरिका हो या फिर पीसमेकर, दोनों की विल पावर काफी स्ट्रांग है। मतलब दोनों जब तक अपने अपने काम को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक रुकेंगे नहीं, फाइट करते ही रहेंगे। वैसे अब तक जितने भी फीट्स दोनों कैरेक्टर्स की पहली मूवी में देखने को मिले हैं, उनमें पीसमेकर के हर तरह के अटैक का जवाब मेरे ख्याल से कैप्टन के पास है। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर पीसमेकर और कैप्टन अमेरिका के बीच कोई फाइट होती है तो ज्यादा बार जीतने के चांसेस कैप्टन अमेरिका के पास होंगे। हाँ, अगर जॉन सीना वर्सेस क्रिस इवांस की बात हो तो रिजल्ट कुछ और ही होगा, लेकिन आज के शोडाउन के विनर ब्रुकलिन वाले कैप्टन अमेरिका हैं। अब ऐसे तो सुसाइड स्क्वाड देखकर मजा आ गया, काफी टाइम बाद इतना कुछ तूफानी देखा है। पीसमेकर की भी अपनी वेब सीरीज आने वाली है इसके बाद, बट सच बताऊं तो ब्लड स्पोर्ट सबसे कूल कैरेक्टर लगा मुझे। आप भी अपना फेवरेट कैरेक्टर कमेंट्स में बताइए। तो ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे करो और क्या।